अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, आज एक्सरसाइज 14 की क्लास नंबर 13, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही छोटा सा, स्मॉल सा, मज़ेदार सा, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू, लेट्स गेट बैक टू क्वेश्चन। साइन 2x प्लस साइन x इज इक्वल टू जीरो। एक चीज़ और, मैंने सारे के सारे जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सबकी प्लेलिस्ट सेपरेटली बना दी है। आई नो आई एम बोरिंग यू, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता, इसलिए हर वीडियो का स्टार्ट पे ये कह देता हूँ। तो आप प्लेलिस्ट से फोकस करके जल्दी से सारे क्वेश्चन की सारी एक्सरसाइज को देख सकते हैं, बस इतनी सी बात है। शुरू करते हैं। साइन 2x प्लस साइन x इज इक्वल टू जीरो। वी नो दैट साइन 2x किसके इक्वल होता है? डबल एंगल फॉर्मूला, या 2 साइन x, या रखना cos x, ये चीज़ आ गई ये, और प्लस साइन x इज इक्वल टू जीरो। आई नो सारे क्वेश्चंस को मैं पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। बहुत छोटा सा और मज़ेदार सा क्वेश्चन है इसलिए, या ओके। कॉमन चीज़ क्या आ रही है? देखिए साइन x कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या देखा कि साइन x से कट गया, क्या बचा? 2 cos x बचा भाई, जी हाँ, प्लस प्लस, और साइन x से कट के हो गया 1 इज इक्वल टू जीरो। जहाँ से समझना है वीडियो को पीछे करके से वो देखना है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? वही काम, साइन x इज इक्वल टू जीरो, या और ये चीज़ होगी 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। पहले इधर की बात कर लेते हैं। तो हम रेफरेंस एंगल जानते हैं कि साइन x इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो अगर मैं जीरो की बात करूँ तो जीरो साइन क्या होता है? जी हाँ, जीरो साइन होता है जीरो, और हम जब 180 और 2 पाई तक की बात करते हैं तो फिर आता है 2 पाई। ये बातें याद रखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चंस में और ज़्यादा डिटेल से बार बार बताऊँगा, पीछे भी बताता आ रहा हूँ। इन बातों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा जो बुक में आंसर्स लिखे हैं वो 0 से लेकर 2 पाई तक लिखे हैं, तो हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा कि हमारा जो एंगल बनता है वो 0 से 90 तक, तो साइन 0 क्या बनता है? 0, लेकिन 90 से जब आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं तो बनता है पाई। आई होप आप बात को समझ रहे हैं कि साइन 0 कहाँ कहाँ होता है? दो जगह, अगर हम पाई तक जाएं तो। ओके, कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह 2 cos x प्लस 1 लिखा है, तो ये हो जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू प्लस 1 की जगह उधर जाके प्लस 1 सब माइनस हो गए, तो प्लस 1 उधर जाके हो गया माइनस 1, 2 cos x ऐसे ही ये आ गया cos x, और माइनस 1 अपनी जगह 2 इधर आके हो गया डिवाइड। अब बात फिर वही कि cos 1 ओवर 2 कहाँ होता है? हम माइनस में भी और प्लस में भी कब देख सकते हैं? लिटरली टेलिंग यू, मैं यहाँ x लिख के सिर्फ 1 ओवर 2 को देख के लिख सकता हूँ, लेकिन वो प्रॉपर वे नहीं होगा, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग अब आपने 0 से 90 नहीं जाना, कहाँ तक जाना है? मेरी बात को समझिए ठीक से, आपने जाना है 180 तक, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा कि अगर उस हिसाब से देखूँ तो 2 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3 दो आंसर बनेंगे आपके। जी हाँ जी, आपने याद रखना है, जी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने 0 से 180 तक जाना है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक्चुअली जाना तो 2 पाई तक है, तो इसलिए ये हमारे आंसर्स बनते हैं। तो अब हम वही काम करेंगे, जनरल वैल्यूज़ को लिखेंगे, और जनरल वैल्यूज़ क्या बनती हैं? पाई, जी हाँ, प्लस 2 एन पाई, क्योंकि साइन है ना, क्या कॉमा, इधर से क्या बनती है? 2 पाई बाई 3, क्या है? कोस, फिर 2 एन पाई, और इधर से वही है 2 एन पाई। आई नो आई एम बोरिंग यू, बट क्या करें, बुक में जो आंसर लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा, क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। आगे वाले तो थोड़े से और अजीब से खड़ूस से हैं, लेकिन हैं बड़े सिंपल से, खड़ूस भी और सिंपल भी, सिंपल से मतलब आसान क्वेश्चन है, खड़ूस इसलिए कि उसमें कुछ अजीब अजीब सा करना पड़ता है, पर हैं इजी। ओके, सो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं जल्दी से और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तरीकेकार वही, हम लिखेंगे पाई प्लस 2 एन पाई यूनियन 2 पाई बाई 3 प्लस 2 एन पाई, बच्चों वाले काम बिल्कुल सही, 4 पाई बाई 3 प्लस 2 एन पाई, एंड दैट्स इट, दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को समझने में, चाहे जितने भी खड़ूस हैं, अजीब से हैं, बुरे से हैं, पर आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। वीडियोस को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के जरिए, दैट इज़ अ बेटर वे, ताकि पूरी एक्सरसाइज ठीक से सीक्वेंस में आपसे हो। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ की प्लेलिस्ट की लिंक्स ऐड कर दी हैं, वहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। डिटेल ज़्यादा हो रही है, छोड़ो यार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए प्रैक्टिस के साथ और स्मार्ट वर्क दोनों के साथ, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। अल्लाह हाफिज़ क्लास।